हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आई हूं। जैसा कि आप सबका बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्द ही होगा, जैसा कि आप बिहार या एसटीईटी 2023 का जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर यानी कि कल आपको आ रहा है, एंड जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास। और डेली बेसिस पे मेरे साथ बने रहिए, सभी टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए मैं पूरा करूंगी। और थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का थ्योरी सेशन आप देख सकते हैं। और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए और डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों, यह केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए नहीं है, ऑल कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन के लिए है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूबॉइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द क्यूबॉइड बोन फाउंड इन द बॉडी? तो क्यूबॉइड अस्थि जो है यह शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में, पैर के टखने में, जिसे टार्सल बोन बोलते हैं। तो पैर के टखने यानी कि टार्सल बोन जो है 7 होती है, जबकि हाथ की कलाई यानी कि कलाई में कार्पस बोन होती है 8। तो दोनों में, हाथ की कलाई में कार्पस बोन 8 होती है, जबकि पैर के टखने में, एंकल में जो टार्सल बोन होती है वो 7 होती है, जैसा कि क्वेश्चन आया भी था। तो ये 7 बोन का नाम है, इसमें कैल्केनियम होता है जो शरीर की सबसे, पैर की सबसे बड़ी अस्थि यानी कि एड़ी बनाती है, कैल्केनियम। उसके बाद क्यूबॉइडल दो होता है, कैल्केनियम तथा सामने से 2 मेटाटार्सल से जुड़ी, एंड टेलस, नेविक्युलर, क्यूनिफॉर्म, ये सभी हड्डियों का नाम है टार्सल बोन का, पैर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी सीसमोइड अस्थि क्या है, कौन है? द लार्जेस्ट सीसमोइड बोन इज, तो सीसामोइड बोन क्या है? सीसामोइड बोन उसे कहते हैं जो कंडरा यानी कि टेंडन में विकसित होने वाली, जोड़ों के आसपास गुजरने वाली हड्डी होती है सीसामोइड, जो हड्डियों को पूरे शरीर में जोड़ों पर पाया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है पटेला, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स के नीचे होता है घुटने पर, घुटने पर जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं, और यह सबसे बड़ी सीसामोइड हड्डी है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि कौन है? तो आपका पटेला है, ठीक है। यानी कि अस्थियों का वर्गीकरण आकार आकृति के आधार पर 5 भागों में किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसामोइड बोन। लॉन्ग बोन जो लीवर का काम करती है, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, जिसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का निर्माण होता है, उसके खोखले भाग को हेवर्सियन नाल कहते हैं। शॉर्ट बोन में आपका कार्पस या टार्सस बोन आती है। फ्लैट बोन में आपका कपाल, अनपसलियाँ एंड स्केपुला आता है। एंड इरेगुलर बोन में चेहरे की कुछ हड्डियां तथा रीढ़ की हड्डियां आती हैं, और सीसामोइड बोन में पटेला सबसे अच्छा उदाहरण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो दोस्तों, मानव खोपड़ी में हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? तो मानव खोपड़ी की बात करें तो कुल इसमें 29 हड्डियां होती हैं, 14 आपके चेहरे में, 6 आपका कान में, 3-3 दोनों तरफ, एंड 8 आपके क्रेनियल बोन होता है, एंड 1 आपका हायर बोन होता है। कुल 29 होते हैं, बट आपको ऑप्शन में जैसा आएगा, यहाँ पे 29 दिया रहता तो 29 राइट रहता, 22 दिया है तो 22 राइट रहेगा, ठीक है। और क्रेनियल बोन कहेगा तो वहाँ पे ओनली 8 हड्डियाँ होंगी राइट। तो यहाँ पे मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ पे 29 ऑप्शन नहीं है, 28 भी आपका ऑप्शन रहेगा तो वो भी राइट रहेगा, 29 रहेगा तो भी राइट रहेगा, वो ऑप्शन के अनुसार आप मारेंगे।
तो यहाँ पे बी आपका 22 राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोसिस किससे संबंधित एक आसनीय विकृति है? स्कोलियोसिस इज ए पोस्टर डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, तो किससे है स्कोलियोसिस कहते किसे हैं? यह मेरुदंड यानी कि रीढ़ की पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन होता है, जो मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुकना होता है, जैसे कि शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। स्कोलियोसिस दो प्रकार का होता है, सिंगल स्कोलियोसिस यानी सी जिसे इंडिकेट किया जाता है, यस स्कोलियोसिस यानी कि डबल स्कोलियोसिस। और इस स्कोलियोसिस को आप ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, वॉल बार, शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना, साइड बेंडिंग एक्सरसाइज एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं। तो स्कोलियोसिस किससे संबंधित एक आसन विकृति है, पोस्टर डिफॉर्मिटी है, तो यह है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कौन है दोस्तों, कान की स्टेपस। इसमें कान में तीन हड्डियां पाई जाती हैं, एम आई एस, मिस, मिस याद कर लीजिए, एम से मैलियस, आई से इनिकस, एस से स्टेपस, यानी कि तीन हड्डियां पाई जाती हैं, यानी छह हड्डियां पाई जाती हैं, एक तरफ तीन और दूसरे तरफ तीन। तो ये सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपस। और मानव शरीर में सबसे मजबूत अंग कौन सा है, तो दांत का इनेमल। सबसे लंबी और भारी अस्थि कौन सा है मानव शरीर में, तो जांघ का फीमर। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश की व्याख्या नहीं करता? भ्रंश यानी कि जो फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटना होता है, उसका व्याख्या नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब ए टाइप ऑफ फॉल्ट, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्टिक, जटिल, असरल, यानी ग्रीन स्टिक, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, ये तीनों चीजें आपका भ्रंश यानी कि फ्रैक्चर से रिलेटेड है, बट आपका नस में डाला गया यानी कि इंटर्ड इन टू वेन, ये राइट नहीं है। जैसे कि दोस्तों जो फ्रैक्चर होता है वह कई प्रकार का है, जैसे कि एक मिश्रित फ्रैक्चर होता है, साधारण फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, जिसे क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं, जो हड्डी टूटने पर किसी प्रकार का घाव नहीं होता, केवल हड्डी टूटता है, चमड़ी नहीं फटती है। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, जिसे हम मिश्रित फ्रैक्चर हिंदी में कहते हैं, जिसमें हड्डी भी टूट जाता है और चमड़ी यानी हड्डी टूटकर घाव भी तथा पेशी या चमड़ी से बाहर निकल जाता है, उसे मिश्रित फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जो हड्डियां टूटकर मुलायम अंगों यानी फेफड़ों, हृदय, गुर्दे में घुस जाती हैं। एक होता है विखंडित फ्रैक्चर यानी कम्युनिटेट फ्रैक्चर, एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना या मुलायम ऊतकों में संक्रमण का होना होता है। एक होता है संघात फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जो हड्डी टूटकर एक हड्डी से दूसरे हड्डी से रगड़ खाती है, उसे कहती है। एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जो शिशु व बच्चों में ज़्यादा होता है, एक तरफ का टूटा हुआ एक तरफ का भाग मुड़ जाता है, पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण किसी आघात से टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। और एक होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो खोपड़ी के कपाल यानी क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर धस जाती है, अंदर धस जाती है। एक होता है रोगात्मक अस्थि भंग यानी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जो रोगग्रस्त अस्थि का छोटे से आघात से लगने से टूट जाता है। उसके अलावा आपका एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर, जिसमें टेंडन हड्डी के टुकड़े के साथ हड्डी से अलग हो जाता है, ये जोरदार आघात या पेशी संकुचन से होता है। एक होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो एक ओवरयूज इंजरी है, हड्डी या जोड़ से जुड़ी हुई पेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग से हड्डी में बाल या लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। इसका पता कुछ दिनों के बाद उस अंग में तीव्र गति से तीव्र दर्द होता है, आभास होने लगता है, तब चलता है। एक होता है आपका मार्च फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर क्या होता है,
कि टखने में स्थित मेटाटार्सल हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर का होना, पैरों के पंजों का ज़्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल या लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम मार्श फ्रैक्चर कैसे पड़ा? तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया, जिसके कारण इसका नाम मार्श फ्रैक्चर पड़ा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है। द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द थोरेसिक बोन। तो वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है दोस्तों स्टर्नम, जिसके चारों ओर दोनों तरफ 12 पसलियां जुड़ी रहती हैं। ये आपका हो गया स्टर्नम, मोटी हड्डी, ठीक है। इसी में आपका जुड़ा हुआ है 12 जोड़ी पसलियां दोनों तरफ, ठीक है, 12 जोड़ी पसलियां दोनों तरफ, जिसके अंदर फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है? द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द थाई बोन इज। तो उसका नाम है फीमर, जो शरीर की सबसे भारी और लंबी अस्थि होती है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पे देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आप अच्छे से इसको सुमेलित कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे सीसामोइड बोन पटेला होता है, शार्ट बोन कार्पल होता है, फ्लैट बोन स्कैपुला, फ्लैट बोन में आपका स्कैपुला, खोपड़ी एंड पसलिया आ जाता है, एंड इरेगुलर बोन में चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो सभी सुमेलित हैं, क्वेश्चन बनाते समय गलत हो गया है, यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल बोन जो है, रीढ़ की हड्डी इरेगुलर बोन और चेहरे की हड्डी इरेगुलर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सही हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? विच सॉल्ट इज फाउंड मोस्ट इन बोन। तो सबसे अधिक अस्थियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैसे कि दोस्तों मानव हड्डी में जो है, जो वाटर होता है 25% पाया जाता है और सॉलिड मटेरियल यानी कठोर पदार्थ 75% पाया जाता है। उस कठोर पदार्थ यानी सॉलिड मटेरियल में भी ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ 30% और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ 45% पाया जाता है, जिसमें से कार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन, म्यूको प्रोटीन एंड कीरोटीन होता है, जिसके कारण हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और इनऑर्गेनिक पदार्थ जो 45% होता है, मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम सोडियम और क्लोरीन कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फोरस, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बना के रखती है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में इसके फायर अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? वेयर इज द इसके फायर बोन फाउंड इन द बॉडी। तो शरीर में इसके फायर अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हमारे कलाई में, रिस्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि हमारे रिस्ट यानी कलाई में जो कार्पस बोन होते हैं 8 पाए जाते हैं, जो ऊपरी पंक्ति या निम्न पंक्ति में पाया जाता है 8, ऊपरी पंक्ति में 4 होते हैं स्फेनॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, वीसी फॉर्म, निम्न पंक्ति में ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट, हैमेट, ये सभी कार्पस बोन है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ की हड्डी की ऑसिफिकेशन स्तर का उपयोग किसका निश्चय करने के लिए किया जाता है?
द लेवल ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन ऑफ द राइट हैंड इज यूज टू डिटरमाइन। तो दाएं हाथ की ऑसिफिकेशन स्तर का उपयोग किया जाता है, जो दाएं हाथ की अलना हड्डी होती है दोस्तों, रेडियस हड्डी, उसको उससे ज्ञात किया जाता है आयु का, तो उसे आयु का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां हैं। तो आपको पता है कि अस्थियों के साथ कौन सी पेशियां जुड़ी होती हैं, रेखित, अरेखित या हृदय पेशियां। तो जो रेखित पेशियां होती हैं वो अस्थियों के साथ टेंडन के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। तो विच एलिमेंट इज फाउंड इन टीथ एंड बोन्स। तो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस। तो कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता के कारण अस्थियों में दृढ़ता पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका 22 दिया रहेगा तो भी राइट होगा, 28 दिया रहेगा तो भी राइट होगा, 29 दिया रहेगा तो भी राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 राइट है, 28। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियल सेम अलना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं। इन विच ऑर्गन आर द रेडियस अलना बोन्स लोकेटेड। तो दोस्तों रेडियस अलना कहाँ पे स्थित होती है, आपको पता है, ये हमारे अग्र बाहु फोर आर्म में स्थित होती है रेडियस एंड अलना हड्डी। जो जो रेडियस होती है हमारे अंगूठे की तरफ से कोहनी तक जाती है, अलना जो होती है हमारे छोटी उंगली की तरफ से कोहनी तक जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी की अस्थि संधि को कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं, चल, अचल और अर्धचल। खोपड़ी की संधि जो होती है वो अचल संधि में आती है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो यह इसको कहते हैं सूचर। क्या कहते हैं? सूचर। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी हड्डी पर का एक हिस्सा नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है। विच बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेग। तो यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुआ है, तो पैर का हिस्सा कौन नहीं है। दोस्तों देखिए कि आपका फिबुला, टिबिया, फीमर, ये तीनों पैर का हिस्सा है, बट आपका ह्यूमरस नहीं है, ये अपर बॉडी यानी कि बांह की हड्डी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बोन इज द ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मैंडिबल। निचले जबड़े की हड्डी जो होती है मैंडिबल, ये मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और अगर ये पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, तो इसी मैंडिबल हड्डी पर चढ़ा हुआ पेशी, निचले जबड़े की पेशी जिसे मसेटर मसल्स कहते हैं, वो सबसे बड़ी मजबूत मसल्स है। नेक्स्ट है, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। हार्डनेस ऑफ बोन्स इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट। तो किस तत्व के कारण हड्डी में कड़ापन होता है दोस्तों, तो वो होता है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम के कारण, इसलिए आपको कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे बाद में उम्र बढ़ने पर जो है कैल्शियम की कमी से आपके हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं और घुटनों में दर्द होने लगता है, यानी कि जोड़ों पर दर्द, अर्थराइटिस रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी स्थित है। द ह्यूमरस बोन इज लोकेटेड। तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अपर लिंब में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अपर लिंब में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ बोन इन द स्पाइन। तो स्पाइन यानी मेरुदंड में कितनी हड्डियां हैं? तो 33 हैं कुल। कुल कितनी हड्डियां हैं?
35। इस तरह से पूछेगा कि मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 33 है। वयस्क पुरुष में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड में, तो 33। जब पूछेगा बच्चों में कितने होते हैं, सॉरी दोस्तों, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 33 राइट होगा। वयस्क व्यक्तियों में कितना होता है तो 26 राइट होगा। एंड बच्चों में कितना होता है तो 33 राइट होगा। जैसा कि ये जो होती हैं 33 हड्डियां मेरुदंड में, तो 7 आपका सर्वाइकल यानी गर्दन में पाया जाता है, जिसका प्रथम हड्डी एटलस और दूसरा एक्सिस होता है। फिर आपका वक्ष भाग आता है थोरेसिक, जिसमें 12 कशेरुका होती हैं। फिर लंबर भाग कमर वाला भाग आता है, जिसमें 5 कशेरुका होता है। फिर आता है सेक्रल, जिसमें 5 होता है, जो बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। फिर आता है कॉक्सिक, जो पूछ के समान लास्ट में होता है, उसमें 4 होती हैं, जो बड़े होने पर वयस्क होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं। इस प्रकार 33 से बचता है कितना, 26। ठीक है, तो बच्चों में 33 और बड़ों में 33 मेरुदंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न से मानव शरीर कौन, मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन है दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी, तो वो है जांग की फीमर, इसको उर्वास्थि भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस में निसंक्रामक तत्व नहीं है, तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डिसइंफेक्शन एलिमेंट्स। तो दोस्तों इसमें निसंक्रामक तत्व कौन सा नहीं है, तो फिनाइल भी है, आग भी है, स्वच्छ आग भी है, टिंचर आयोडीन भी है, बट स्वच्छ जल जो है, क्लीन वाटर आपका निसंक्रामक तत्व नहीं है। निसंक्रामक होता क्या है, रोगाणुओं और सूक्ष्म जीवों को मार डालने के लिए निसंक्रामकों का प्रयोग किया जाता है। इससे संक्रामक रोगों को रोकने में मदद मिलती है। इन्हें भी संक्रामक, विसंक्रामी या संक्रमणहारी भी कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट निसंक्रामक तत्व सूर्य की किरणें हैं, जिनका प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है। उदाहरण के लिए कपूर, सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण, चूना, सोडा, उष्मा, शीत, फिनाइल, आग, टिंचर आयोडीन, ये सभी निसंक्रामक तत्व हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, हाउ मेनी फेशियल बोन आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। दोस्तों बात करें तो हमारे जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां आती हैं, ये सबको मालूम होता है, बट एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल कंकाल में आपका आता है, एक्सियल कंकाल में हमारा स्कल यानी कि खोपड़ी, जिसमें 29 हड्डियां होती हैं, यानी 8 क्रेनियल और 14 चेहरा और कान में 6 और हाइड बोन 1, कुल 29 हड्डियां। और मेरुदंड में कितना होती हैं, 35 हड्डियां। बच्चों में 35, वयस्क होने पर 26। फिर पसलियां कितनी होती हैं, 12-12 दोनों तरफ होती हैं, कुल 24 हो गया। एक बीच में आपका स्टर्नम होता है, वह 6 यानी 25 हो गया। एंड एक, तो इस प्रकार कुल एक्सियल कंकाल 80 होती हैं, कपाल, मेरुदंड, पसलियां, उरोस्थ की मिलाकर। अब दूसरा भाग है अपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। तो अपेंडिकुलर को भी दो भागों में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब बताया गया है। तो अपर लिम्ब कुल 64 हड्डियां होती हैं, जिसमें आपका दोनों हाथ के 30-30 हड्डियां होती हैं, और दो आपका स्कैपुला कंधे की हड्डी हो गया, दो आपका हसुली हो गया क्लेविकल, यानी इस प्रकार 64 हड्डियां हुआ अपर लिम्ब। लोअर लिम्ब में दोनों पैर और हमारा पेल्विक भाग आता है, तो दोनों पैरों में आपके हो जाते हैं 30-30 हड्डियां, 60 हो गया। एंड पेल्विक में दो होता है, इस प्रकार 62 हो गया। तो 64 और 62 आपका 126 हो गया। एक्सियल कंकाल 80 होता है, 126 और 80 आपका 206, ये 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं,
तो यह पसलियाँ जो है बीच में स्टर्नम हड्डी से ऐसे ऐसे दोनों तरफ 12-12 जोड़ी लगी रहती हैं। तो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। जोड़े में पूछे तो 12, ऐसे ही पूछे तो आपका हो जाएगा 24। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर नोन एज? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को कहा जाता है पल्स रेट। क्या कहा जाता है? पल्स प्रेशर। पल्स रेट बोला जाता है यहाँ पे। पल्स प्रेशर राइट आंसर दिया है, बट पल्स रेट नाड़ी दाब, हाँ नाड़ी दाब बोला जाता है, पल्स प्रेशर ही राइट होगा। ठीक है, पल्स प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के मध्य अंतर को पल्स प्रेशर नाड़ी दाब कहते हैं। नाड़ी दाब मुख्यतः आपका समानतः 30 mmHg से 40 mmHg तक होता है, जो कि आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 80-120 होना चाहिए, यानी सिस्टोलिक आपका 120, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। उससे अधिक है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उससे कम है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एंड जो पल्स प्रेशर का होता है वो आपका 30 से 40 mmHg तक होता है। नेक्स्ट है, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं। व्हाट इज द मूवेबल बोन ऑफ द नी कॉल्ड? तो परिवर्तनीय हड्डी को घुटने को कहते हैं पटेला। परिवर्तनीय इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको क्या है, खराब हो जाता है तो ये आर्टिफिशियल पटेला लगा दिया जाता है लोगों में। ठीक है, कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लंबी अस्थि का कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो लंबी अस्थियों का कार्य क्या है मानव शरीर में? उत्तोलक के रूप में यानी लीवर के रूप में कार्य करना, लीवर के रूप में कार्य करना, एक्टिंग एज ए लीवर। लीवर के बारे में अच्छे से मैंने समझाया है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है? तो आपको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई परसेंटेज ऑफ बोन फंक्शन? तो दोस्तों, हड्डियों के संयोजन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है? तो इसको 2-3 प्रकार से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है इसी में। तो कैल्शियम फॉस्फेट, क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों, समानता एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। हड्डी के संयोजन में सर्वाधिक अनुपात यह कैल्शियम फॉस्फेट की होती है और सबसे ज़्यादा मानव शरीर में समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कि कोई भी कंपटीशन है, आप फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए, अवश्य सफल होंगे। और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।